अपनी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार संसद में बोले हैं। नो कॉन्फिडेंस को लेकर के किस तरह से राहुल गांधी ने बात की और दिमाग के बजाय दिल से बात करना पसंद किया, उससे रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ तमाम कांग्रेसी हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी का जो आज का भाषण था उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, वो आज के देश की जो हालात है उस पर सच्चाई उन्होंने बयान की है। उन्होंने कहा कि भारत एक आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। भारत के लोगों की का जो दुख दर्द है उसको समझने की ज़रूरत है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, मणिपुर को ख़त्म कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है, और जो है भारत माँ की आपने हत्या की है। उन्होंने कहा मेरी दो माँ हैं, एक माँ मेरे घर में है जो पार्लियामेंट में भी आ रखी है, और दूसरी माँ जो है भारत माँ है जिसकी आप हत्या करने पर लगे हो। और ये आज सच्चाई है, जिस तरह से सरकार ने मणिपुर में जो हालात बना दिए हैं, आज वहाँ दोनों समुदायों के लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, उनके घरों को जला दिया गया है, एक दूसरे के घरों को उन्होंने जलाया है, हथियारों को लूटा जा रहा है आर्मर्ड फोर्सेस से, और एक दूसरे की हत्याएं वहाँ हो रही हैं, और जो महिलाओं के साथ हुआ है वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं, मणिपुर पर नहीं जा रहे हैं। 34 सेकंड का जिक्र एक बार उन्होंने मणिपुर पर किया है, उसके बाद वो अभी तक न मणिपुर गए हैं न मणिपुर पर कुछ बोल रहे हैं। और सरकार नाम की कोई चीज़ मणिपुर में इस समय नहीं है। उसके मणिपुर के साथ साथ हरियाणा को भी जो है अशांत करने की कोशिश की है, वहाँ भी दंगे हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने अच्छे दिनों का वादा किया था, अगर ये अच्छे दिन हैं तो ये अच्छे दिन किसी को नहीं चाहिए। और इसी उस पर जो है आज राहुल गांधी ने अपने बेबाक राय को सदन में रखा और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार भारत माँ की हत्यारी है और लोगों के दुख दर्द को बढ़ा रही है, लोगों को बांट रही है जाति धर्म के आधार पर, जो कि जितने भी लोग वहाँ हैं पार्लियामेंट के अंदर उन सब ने संविधान की शपथ ले रखी है कि वो समानता का व्यवहार करेंगे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। उसके बाद भी वो जो है सत्ताधारी दल जो है वो एक समुदाय विशेष को जिस तरह से टारगेट कर रहा है, ये एक लोकतंत्र में बहुत खतरनाक तरीका है, इससे बचना चाहिए। कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी के भाषण को लेके उन्होंने क्या सीखा और क्या समझते हैं? राहुल गांधी का भाषण सुना आज संसद में, कैसा था? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत भाषण सुना है। उस भाषण के हिसाब से जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, एक जो हमारा अभिन्न अंग है मणिपुर, इस देश का एक राज्य है छोटा सा, उसमें जैसे आज अराजकता फैली हुई है और मणिपुर के जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें बेघर कर दिया गया है, आपस में एक सिविल वार जैसा वहाँ पर माहौल क्रिएट कर दिया गया है, जो कि वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामी को बखूबी दर्शाता है। हम जिस उम्मीद से देश की जनता ने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भाजपा को बहुमत दिया देश में और राज्य में, उसके बाद भी वो उन्होंने जनता की उम्मीदों को मानो कत्ल कर दिया है। जैसे आज राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर का, हिंदुस्तान का कत्ल कर दिया है, वो सत्य साबित होता दिख रहा है। जैसे उनको एक्शन नहीं लिया जा रहा है और अराजकता इतने दिनों से अभी भी जारी है। चलिए कुछ और लोग उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने आज संसद में भाषण दिया है उसको लेकर के कांग्रेसियों में या जनता के बीच कैसी राय बनी है? नहीं, बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने आज, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने सदन में देश के मन की बात कही है। उन्होंने मणिपुर को, उन्होंने जो आज मणिपुर, जो मणिपुर आज जल रहा है, जिससे पूरे देश में आज विचलित हुआ है, जैसे वहाँ की वीडियो आई थी कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया गया है, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने आज सदन में जो बात कही है वो देश के मन की बात कही है। तो राहुल गांधी ने देश के मन की बात कही है या फिर अपने मतलब की बात कही? नहीं, देश के मन की बात कही राहुल गांधी जी ने। जो राहुल गांधी जी ने दिल की बात कही है उसमें लोगों के, गरीबों के और मानवाधिकार का जो हनन किया जा रहा है सरकार में, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाए जा रहे हैं,
बुलडोज़र के नाम पर, दंगों के नाम पर गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन चीज़ों को लेकर के जो माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में मुद्दे उठाए हैं, ये बहुत ही विचाराधीन है और ऐसे मुद्दे हमेशा उठाने चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है लोकतंत्र, वो लोकतंत्र की ओर नहीं राजतंत्र की ओर जा रहा है। सरकार का जो भी रवैया है, रुख है, वो हमारी देश की आम जनता के लिए ठीक नहीं है। चलिए, ये तमाम लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने आज बयान जो एक संसद में भाषण दिया है वो ऐतिहासिक है, और ये एक तरह से मणिपुर और देश को लेकर के दिया गया जो बयान था उसको लेकर के विशेषकर लोगों में एक राय है कि राहुल गांधी देश की बात कर रहे हैं। ये तो थी तमाम कांग्रेसियों की बात, अब सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस भाषण को किस तरह से देखते हैं, तो आइए उनकी राय जानते हैं। संसद में राहुल गांधी के भाषण को लेकर कांग्रेसियों की आपने बात सुनी है, अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कि राहुल गांधी के आज के दिए भाषण को किस तरह से देखते हैं। जगमोहन जी, आज जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, संसद में जो आज उन्होंने बोला है? हम तो कभी देखते ही नहीं उनको, लोकसभा के कोई भाषण ही नहीं देखते हम उनके कभी, वो तो बाद में हमें रील्स में दिख जाते हैं उनके मीम्स वगैरह, हंसते हुए हम तब मज़े लेते हैं उनके भाषणों को सुन के। उनको वैसे सीरियस लेता कौन है? कोई भी सीरियस नहीं लेता, आज भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर बहुत दिनों बाद अगर वो आज पार्लियामेंट आए हैं तो वो प्रचार प्रसार अपना करवा रहे हैं, वो कभी कोई विशेष बात नहीं करते हैं कोई चीज़। अभी भी जो वो बात ये कह रहे हैं कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमने गया हूँ, उन्होंने फ़ोटो सेशन के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं कराई। देखिए, एक उदाहरण है उनकी, इंदिरा गांधी जी जब उस समय पर जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, प्रधानमंत्री का इलेक्शन, वो हार गई थी, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मांझी हैं बिहार के, एक बड़ी पिक्चर, एक हमारी मूवी आई थी और उन्होंने स्वयं एक रोड काटी थी। तो उस समय पर इंदिरा गांधी ने जब वहाँ पर भाषण दिए थे तो मांझी वहाँ पर स्वयं खुद गए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि ये रोड, ये जो है हॉस्पिटल से इस रोड को जोड़ना है। उन्होंने अपने माला जो है अपने गले में पड़ी हुई, जिस तरीके से नेता करते हैं, वो माला मांझी जी के हाथ में दे दी और देखिए वो फ़ोटो खिंचवाई थी। ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में है, ये दिखेगी नहीं, दिख रही है? दिखने में थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ठीक है, वो ठीक है ना, दिख रही। तो बस यही है कांग्रेस का चाल चरित्र, यही है। और उन्होंने पूरा जो कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक की जो यात्रा की है, इसमें फ़ोटो सेशन किया है और माइक लेके कोई भी खेतों में किसानी नहीं करता, ये सब फ़ोटो सेशन है। और वही चीज़ पार्लियामेंट में भी चल रहा होगा, देख लेंगे आते समय मीम्स वगैरह में। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे, आप तो लेते हैं सीरियस? नहीं, मुझे नहीं लगता उनका सीरियस नहीं लेते। ये तमाम भाजपाई हैं जिनका कहना है कि राहुल गांधी को फिलहाल वो सीरियस नहीं लेते हैं। भाजपाइयों की आपने बात सुनी, कांग्रेसियों की बात सुनी, लेकिन आम जनता इस भाषण को लेकर के किस तरह के विचार रखती है राहुल गांधी के बारे में और आज के उनके संसद में दिए गए भाषण के बारे में, ये आपको सुनाते हैं कि जनता इस चीज़ को लेकर के क्या अपने विचार रखती है। राहुल गांधी की सज़ा पर रोक के बाद पहली बार आज संसद में उन्होंने भाषण दिया है और इसको लेकर के बड़ी चर्चाएँ हैं। हम रैंडमली लोगों से बात करेंगे कि लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं, तो आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो संसद पे आज जनसद में जाकर के जो भाषण दिया है, लोग उसमें क्या सोचते हैं। एक मेडिकल शॉप है, यहाँ बात करेंगे साहब। राहुल गांधी ने आज संसद में जो भाषण दिया है उसको लेकर के आम जन की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उसको लेकर के? अच्छा, जो भी बोला ना, सही बोला है फिलहाल तो। और यह है कि वहाँ के जो भी ना हालात हैं उसको देखते हुए, यह है कि हालात तो बेकार हो रखे हैं वहाँ पर, लोग जो है तराई तराई कर रहे हैं वहाँ पर, तो भी उसमें तो जो है कि एक बात सही भी है उस तरीके से। मणिपुर को लेकर, मणिपुर को लेकर बात करें, सही है मणिपुर को लेकर, लेकिन यह है कि वहाँ पर कितना राहत कार्य हो रहा है उसको 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 भी देखना चाहिए ना उसमें, कि सरकार उसमें कितना वो कर रही है, मदद कर रही है, वो कर रही करके। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि राहुल गांधी के भाषण को लेकर के उनकी क्या राय है और किस तरह से वो इस पूरे भाषण को देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक और हैं, यहाँ पर इनकी शॉप है किताबों की। सर, राहुल गांधी जी ने आज जो एक भाषण दिया है, राहुल गांधी ने संसद के पटल पे और अपनी सज़ा पर रोक के बाद पहली बार वो संसद में बोले हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, आपने उनका भाषण देखा होगा, सुना होगा, तो क्या लगता है जो आज का भाषण था उनका उसको लेकर के कैसी सोच है आम जन के बीच में और क्या सोचते हैं इस भाषण को लेकर? नहीं, आज जो राहुल गांधी जी बोले हैं सजा के बाद और लोकसभा के अंदर, सब लोगों को उसका इंतज़ार था और आज वो पहली बार पूरे मैच्योर तरीके से और मणिपुर पर फोकस करते हुए उन्होंने उन तमाम चीज़ों को उठाया है जो वहाँ पर घटित हो रही हैं और प्रधानमंत्री
तिहत्तर पिछहत्तर ये दो तीन महीने होने वाले हैं, उन तीन महीनों के अंदर प्रधानमंत्री न तो गए, न वहाँ उन्होंने कोई शांति संदेश भेजा, ना कभी उसके संबंध में बोले। उन्होंने आज इस बात का जिक्र किया अपने भाषण में कि आज जो मणिपुर के अंदर सरकार की नीति के जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसके कारण मणिपुर दो भागों में बट गया है। और जो हम मीडिया रिपोर्ट में भी देख रहे हैं, आज ये हम सब लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए चिंता की बात है कि मणिपुर के अंदर लाइफ ऑफ कंट्रोल बन गई है। मैथी समुदाय के लोग कुकीज़ के गांव में नहीं जा सकते, कुकीज़ के गांव के लोग अनुसूचित वहां पर मैथी समुदाय के वहां पर नहीं आ सकते, और दोनों अपने बॉर्डरों पर असले लेकर के और डंडों लेकर करके निगरानी कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक भारत का एक हमारा अपना एक हिस्सा जल रहा है पूरी तरह से, और उन्होंने इस बात को संकेत भी किया है कि एक हिंदुस्तान जल रहा है, आपने हिंदुस्तान की हत्या कर दी है। तो वास्तव में जो दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो इतना बोलते हैं बिना बात पे, बिना उस सब उस पे घंटों बोलते हैं, वो मणिपुर के सवाल पर जहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएँ हो गई हैं, उन सवालों पर वो मौन है, अपना मौन नहीं तोड़ पा रहा। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि प्रधानमंत्री मौन तोड़ो, क्योंकि आपके देश का एक हिस्सा जो पूर्वोत्तर राज्य है वो जल रहा है और उसकी आँच अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी जा रही है और पूरे देश के अंदर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मणिपुर के लोगों को वहाँ पर ये लगे कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और इसी के लिए जो उन्होंने फोकस किया, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी राहुल जी के भाषण का संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट संदेश देंगे कि मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है सरकार उससे चिंतित है और वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना चाहती है, सबको सुरक्षा देना चाहती है। हाँ जी, आपने देखा राहुल गांधी का जो आज का भाषण था, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन बड़ा परिपक्व सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। और जब आदमी इतना पुराना राजनीति में हो जाता है तो परिपक्व हो ही जाता है, लाजमी सी बात है, और अच्छी बात है कि अपनी बात उन्होंने अच्छे तरीके से रखी है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। एक हमारे सामने प्रकाश टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, और चाय से तो पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है कि चाय की दुकान को लेकर के जैसी चर्चाएं होती हैं। हाजी साहब, क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। चाय बन रही है साहब, चाय तो, चाय ने तो पूरा देश बदल के रख दिया साहब। क्या कहेंगे चाय को लेकर के? चाय तो हमारे मोदी जी ने चाय वालों के लिए काफ़ी कुछ किया है, और वैसे तो पूरे देश के लिए उन्होंने किया है, लेकिन इस समय सवाल जो है राहुल गांधी और मणिपुर। आज इसका भाषण थोड़ा बहुत सुना आपने, देखा? हाँ जी, हाँ जी। कैसा था भाषण? ओजस्वी था, ठीक था भाषण राहुल गांधी जी का, लेकिन उसमें जो है ना महिलाओं का जो किस के बारे में जो उन्होंने संज्ञान दिया, जो उसका भाषा शैली का प्रयोग किया, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, भाषण जो है काफ़ी अच्छा ओजस्वी भाषण था, और मणिपुर जो है एक हमारे देश का एक अभिन्न है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है चाइना और अन्य देश जो है आसपास के पड़ोसी देश, म्यांमार हो गया, ये हो गया, हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमारे शांति को व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, और हम ही चाहते हैं कि सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करे। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से लोग राहुल गांधी के इस भाषण को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने जाना, कांग्रेस के लोगों से जाना, आम जनता की राय हमने ली राहुल गांधी के इस भाषण को लेके। तो ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि राहुल गांधी ने जो इस बार का भाषण दिया है काफ़ी परिपक्व था और काफ़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने बात की है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस पूरे भाषण को बचकाना बता रहे हैं, वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है। देखते रहिए दानिश खान के साथ ABP लाइव उत्तराखंड।